Morning everyone, hope you all are fine and studying at home safely. So in previous class what we did the pictograph जिसको हमने टेली मार्क्स में कन्वर्ट किया था. हमने देखा था कि टेली मार्क्स होते क्या है, यानी टू स्टूडेंट. तो अब हम आज की क्लास में उन्हीं क्वेश्चन में जिनको हमने टेली मार्क्स में कन्वर्ट किया था पिक्टोग्राफ्स को, आज हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. उनको हम रीड करने की कोशिश करेंगे, उस पूरे डेटा इन्फॉर्मेशन को, एंड वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन जिसका हमने टेली मार्क्स ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बना लिया है. हमारी ये टेबल थी. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है उस पर हमें ध्यान देना है. क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ देखें, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास थ्री. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेबल. इस टेबल को देखकर हमें बताना है तो क्लास थ्री में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये सारा डेटा हमें क्लास थ्री का ही गिवन है. इसका मतलब साइंस म्यूजियम में जितने बच्चे गए, आईटी पार्क में जितने बच्चे गए, जू में जितने बच्चे गए, मॉन्यूमेंट में जितने बच्चे गए एंड रेलवे म्यूजियम में जितने बच्चे गए, उन सारे बच्चों का जब हम टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्लास थ्री में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे. सो हाउ वी विल काउंट दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द टेबल. How many total students went to Science Museum? तो उसके लिए हमारे पास this is the solution. Science Museum में we can see that there are 15 students जो गए थे. तो we will write here 15, है ना? Plus IT Park में के total कितने students गए थे? 18 students. Again यहाँ पे हमें दिख रहा है तो plus 18 और कर दिया हमने. Now Zoo में कितने बच्चे गए थे? 9. So we will add 9 also. Plus मॉन्यूमेंट्स में कितने बच्चे गए थे? 12 स्टूडेंट्स. एंड प्लस फाइनली रेलवे म्यूजियम में हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स वेंट? 12 अगेन. तो ये टोटल हमारे पास जो हो जाएगा, वी ऑलरेडी नो हाउ टू ऐड. तो अभी जब हम ऐड करेंगे, पहले हम वंस डिजिट देख लेते हैं सारे नंबर्स की. 5 प्लस 8 13, प्लस 9 22, प्लस 2 24, प्लस 2 26, 26 का 6, 2 will be carry to 10th place, है ना? So this is the carry. Now 2 plus 1, 3 plus 1, 4, यहाँ पे तो 10th place पे कुछ है ही नहीं, plus 1, 5, plus 1, 6, 66 students total थे, जो कहाँ गए थे? Total class 3 में 66 students है, so we will write 66 here. Now next question, which outdoor visit is the most popular? Most popular means जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे जाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे गए. अगर हम इन सबको compare करें तो हमारे पास कौन सा है? 15, 18, 9, 12, 12. सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से उसमें गए हैं outdoor में? 18, है ना? 18 इज द लार्जेस्ट नंबर. दैट मीन्स आईटी पार्क में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गए, दैट्स वाई इट इज मोस्ट पॉपुलर. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आईटी पार्क, इट इज मोस्ट पॉपुलर, है ना? नाउ नेक्स्ट इज विच आउटडोर विजिट इज द लीस्ट पॉपुलर. अब अगर हम यहाँ पे देखें, लीस्ट मीन्स सबसे कम बच्चे कौन सी जगह पे गए हैं? जू में, क्योंकि 9 इट इज द लीस्ट नंबर, सबसे कम नंबर है ना? जू में सबसे कम बच्चे गए हैं, सो दैट्स वाई लीस्ट पॉपुलर जू हो गया. नेक्स्ट इज विच टू विजिट्स आर इक्वली लाइक्ड. कौन सी दो विजिट्स हैं जिनको बराबर इक्वल स्टूडेंट्स ने लाइक किया? ऑब्वियसली जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गए होंगे, सो दिस इज मॉन्यूमेंट एंड रेलवे म्यूजियम. बिकॉज मॉन्यूमेंट में भी टोटल 12 स्टूडेंट्स गए एंड रेलवे म्यूजियम में भी टोटल 12 स्टूडेंट्स ही गए, सो दैट्स व्हाई इट इज मॉन्यूमेंट एंड रेलवे म्यूजियम. ओके, यू विल राइट योर प्रॉपर आंसर. नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स विजिटेड द मॉन्यूमेंट्स. कितने स्टूडेंट्स ने मॉन्यूमेंट्स में विजिट किया? मॉन्यूमेंट्स ये रहा, मॉन्यूमेंट्स में गए कितने बच्चे? टोटल 12 स्टूडेंट्स. सो वी विल राइट हेयर 12 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मॉन्यूमेंट में विजिट किया. कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन भी अगेन हमने टेबल कंप्लीट कर ली थी, टेली मार्क्स हमने ड्रॉ करे थे, हमने टोटल कितने काउंटिंग बन रही थी वो भी हमने लिखा था, है ना? तो आज की क्लास में फिर से हम यहाँ पे क्वेश्चंस जो हमारे रह गए हैं उस टेबल को रीड करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लास प्लांटेड द लोएस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स. लोएस्ट मीन्स सबसे कम सैपलिंग्स कौन सी क्लास ने प्लांट किए. यहाँ पे हमारे
पास क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ये सब का डेटा है। सैपलिंग्स यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में है, दैट मीन्स पिक्टोग्राफ है, बट हमें क्या करना है, टेली मार्क्स में पहले कन्वर्ट करेंगे, तभी तो हमें नंबर पता चल पाएगा ना टोटल, सो जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो वेयर आर दी क्वेश्चन आंसर्स, दीज आर दी आंसर्स, ये हमारे टेली मार्क्स थे एंड हमने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स निकाल लिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हमारा था कि लोएस्ट सैपलिंग्स कौन सी क्लास में प्लांट किए, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियसली अगर हम इन सबको कंपेयर कर देते हैं, सबसे लोएस्ट नंबर हमें कौन सा दिख रहा है, 20, एंड ये 20 प्लांट्स दैट मीन्स 20 सैपलिंग्स किसने प्लांट किए, क्लास 3 ने। सो क्लास 3 ने सबसे कम सैपलिंग्स प्लांट किए, तो हम यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हैं क्लास 3, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सैपलिंग्स वर प्लांटेड बाय क्लास 4। क्लास 4 का अगर हम देखें तो क्लास 4 कहाँ पे है, ये रहा, और क्लास 4 ने टोटल कितने सैपलिंग्स प्लांट किए थे, 50। सो इट मीन्स क्लास 4 ने टोटल 50 सैपलिंग्स प्लांट किए। नेक्स्ट इज विच क्लास प्लांटेड 30 सैपलिंग्स। अब हमें ये देखना है कि 30 सैपलिंग्स कौन सी क्लास थी जिसने प्लांट किए, यहाँ पे 30 कहाँ पे है, दिस इज 30, एंड ये 30 किसने प्लांट किए हैं, क्लास 1 ने प्लांट किए हैं, दैट मीन्स विच क्लास प्लांटेड 30 सैपलिंग्स, क्लास 1। सो वी विल राइट हेयर क्लास 1। नेक्स्ट इज विच टू क्लासेस प्लांटेड इक्वल नंबर ऑफ सैपलिंग्स, कौन सी दो क्लासेस थी जिन्होंने इक्वल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांट किए थे। अब इक्वल नंबर ऑफ सैपलिंग्स मतलब यहाँ पे जो काउंटिंग है वो इक्वल होनी चाहिए, दैट मीन्स दिस इज 40 एंड दिस इज ऑल्सो 40, इसका मतलब 40 सैपलिंग्स क्लास 2 ने भी प्लांट किए एंड 40 सैपलिंग्स क्लास 5 ने भी प्लांट किए, तो इसका मतलब क्लास 2 एंड 5 जो थे उन दोनों ने इक्वल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांट किए। सो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं अपना क्लास 2 एंड 5, है ना, इन दोनों ने, 2 एंड 5 ने इक्वल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांट किए। तो अब आप ये आंसर्स अपनी बुक में करोगे।